बात सभी को। मैं रुचि विद्या बाल भवन स्कूल की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने मुहावरों के अर्थ जाने तथा उनसे वाक्य बनाए थे। इस कक्षा में हम कहानी पठन और लेखन यानी कहानी को किस प्रकार पढ़ा जाता है और कैसे कहानी लिखी जाती है ये जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 94 यानी कि 94 ओपन करिए। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की किताब का पृष्ठ 94 खोलेंगे। उसमें आपका पार्ट 22 है, कहानी लेखन एवं पठन। लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा सरल यानी इजी हो और सामने वाले को समझ आए, क्योंकि अगर हम कुछ अलग भाषा या एडवांस यानी कि मुश्किल भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है उसमें कम लोगों की रुचि हो या वो पढ़ ना सके। सो जब भी हम हिंदी में कहानी लिखते हैं तो हमारी भाषा सरल एवं रुचिकर होनी चाहिए। आज की हमारी पहली कहानी है घमंडी का सर नीचा। सब बच्चे अपनी पुस्तक का 94 पेज देखेंगे, घमंडी का सर नीचा। तो इस कहानी में क्या है, एक साहूकार था जिसके पास 2 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 2, एक काला और एक सफेद। 2 घोड़े थे और दोनों कौन से रंग के थे? एक काला था और एक सफेद था, और दोनों ही आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का क्या अर्थ होता है? जो कहना मानता है। सो जो दोनों घोड़े थे उस साहूकार के, वह दोनों ही बहुत आज्ञाकारी थे। सब बच्चे अपनी पुस्तक देखेंगे। एक दिन साहूकार को दूसरे शहर में सामान भेजना था, यानी कि वो जो साहूकार था उसका व्यापार दूसरे शहर में भी था, तो उसे अपना सामान दूसरे शहर में भेजना था। तो उसने क्या किया, उसने अपने दोनों घोड़ों को अकेले ही भेज दिया, क्योंकि क्या थे वह दोनों घोड़े? आज्ञाकारी थे। तो उसने क्या किया, इसलिए उसने अपने वफादार घोड़ों को बुलाया। सफेद घोड़े की पीठ पर सोने की थैलियां और काले घोड़े पर अनाज की बोरियां लाद दी। लाद दी यानी उन पे रख दी। सफेद घोड़े पे सोने की थैलियां एवं काले घोड़े पर अनाज की बोरियां रख दी। लाद दी का अर्थ होता है रख दी। और उन्हें अकेले ही शहर भेज दिया, क्योंकि वह बहुत आज्ञाकारी थे और वफादार यानी उसका कहना मानने वाले और उससे कभी भी धोखा नहीं करने वाले। तो उसने उन पे भरोसा करके उन्हें अकेले ही शहर भेज दिया। उसे अपने घोड़ों पर विश्वास था, जैसा कि क्या कहा कि वह वफादार थे, तो इसलिए उन्हें अपने घोड़ों पर विश्वास था, इसलिए वह साथ नहीं गया। रास्ते में जंगल पड़ता था। अचानक चलते चलते सफेद घोड़े के मन में घमंड आ गया। क्या हुआ, जब वह दोनों घोड़े जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में एक जो घोड़ा था या सफेद घोड़ा, उसके मन में क्या आ गया? घमंड, यानी उसे लगा कि उसका मालिक जो है उस पर कितना विश्वास करता है, तो इस बात पे वो इतराने लगा, उसके मन में घमंड आ गया। वह बोला, सेठ जी मुझ पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तभी तो मेरे ऊपर सोने की थैलियां रखी हैं और तुम्हारे ऊपर अनाज की। अब क्योंकि सफेद घोड़े पर सेठ ने यानी साहूकार ने सोने की बोरियां रखी थी, तो उसको क्या लगा कि सेठ उस पे ज्यादा विश्वास, यानी कि जो साहूकार है वह सफेद घोड़े पर ज्यादा विश्वास करता है, और उसने यही बात काले घोड़े से भी कही कि इसीलिए तुम्हारे ऊपर कौन सी बोरियां हैं? अनाज की बोरियां हैं। परंतु काला घोड़ा चुपचाप उसकी घमंड भरी बातें सुनता रहा और काले घोड़े ने उसका जवाब नहीं दिया, उसने बस चुपचाप उसकी बातों को सुना। तभी अचानक जंगल में 2 चोर आ गए। और कौन आ गए? 2 चोर आ गए। उन्होंने घोड़ों पर जब सामान लदा देखा
तो बहुत खुश हुए। अब उन्हें पता है कि साथ में तो कोई मालिक नहीं है, घोड़े अकेले हैं। तो उन चोरों के मन में भी लालच आया और वह बहुत खुश हो गए कि ये तो घोड़ों के ऊपर सामान लगा हुआ है। काले घोड़े पर केवल अनाज देखकर उन्होंने उसे किनारे खड़ा कर दिया और सफेद घोड़े पर लदा सोना लूटने लगे। अब क्या हुआ, जैसे सफेद घोड़ा जो है वो बहुत घमंड कर रहा था, अब काले घोड़े को तो चोरों ने छोड़ दिया, उसे किनारे यानी कोने में खड़ा कर दिया। पर जो सफेद घोड़ा है उस पर जो सामान लदा था, जो सोने की बोरियां थी, उसे वह लूटने लगे। सफेद घोड़े को गुस्सा आया तो उसने दुलत्ती चलानी शुरू कर दी। आप सभी को मालूम है गाय घोड़े इन सब जानवरों के चार पैर होते हैं, तो जो घोड़ा है उसने अपने पिछले दो पैर यानी जो पीछे के दो पैर होते हैं उनको चलाना यानी उनसे चोरों को मारना शुरू कर दिया। इस पर चोरों ने लाठियों से उसकी खूब पिटाई की और सारा सोना लूटकर चले गए। अब चोर हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, घोड़े ने जब उन पे वार किया तो उन्होंने भी लाठियों से घोड़े को मारा और सारा सामान लूटकर चले गए। सफेद घोड़ा घायल हो चुका था। काले घोड़े ने उसकी सहायता करने के लिए उसे मुंह से खींचकर शहर तक पहुंचाया और मरहम पट्टी करवाई। क्या किया, अब काला घोड़ा उसकी सहायता यानी उसकी हेल्प करने लगा। अब सफेद घोड़ा शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। अब क्या हुआ, सफेद घोड़े को शर्म आ गई क्योंकि पहले तो वो बहुत घमंड दिखा रहा था, पहले तो वह अकड़ रहा था, अब काले घोड़े ने ही उसकी सहायता करी और उसे उसका इलाज भी करवाया, तो जो सफेद घोड़ा है वो बिल्कुल शर्मसार हो गया। तो अब देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अभिमानी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। अभिमानी यानी जो अपने पे घमंड करता है, अभिमान करता है, उसका सर क्या होगा, हमेशा नीचा ही होगा यानी उसे अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको पिछली कहानी अच्छे से समझ आई होगी, इसका आप खुद से पठन जरूर करिएगा। अब हमारी अगली कहानी है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार क्या होता है, जी हाँ, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार यानी हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के ढंग को हम व्यवहार कहते हैं। सो सभी से हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार। आइए अब इस कहानी का पठन करते हैं और समझते हैं। एक राजकुमार था, वह बड़ा अत्याचारी था। उसके पिता ने उसके व्यवहार और दुर्बुद्धि को सुधारने का बहुत प्रयास किया पर असफल रहे। क्या था, राजकुमार यानी के राजा का बेटा, और वह कैसा था, अत्याचारी यानी के दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने वाला, दूसरों पे जुल्म करने वाला था। उसके पिता ने उसके व्यवहार को ठीक करने का प्रयास यानी कोशिश, और दुर्बुद्धि बीच जिसकी बुद्धि खराब हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बुद्धि। तो उसके पिता ने उसको सुधारने का, ठीक करने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल यानी कि वह कामयाब नहीं हो पाए इस कार्य में। चारों तरफ से निराश हो चुकने के बाद राजा ने अपने राजगुरु की शरण ली। राजा ने क्या किया, हर तरफ से उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी राजगुरु की शरण ली। महाराज से सारा वृतांत सुनकर राजगुरु राजकुमार को सुमति देने चल पड़े। यानी जब उन्होंने राजकुमार के पिता से सब बात सुनी, वृतांत यानी पूरी बात सुनी, तो वह राजकुमार को सुमति यानी सही सलाह, उनको बुद्धि देने चल पड़े। वह राजकुमार को बगीचे में ले आए। उन्होंने क्या किया, राजकुमार को बगीचे में ले आए, वे उसे नीम के एक छोटे से पौधे के पास ले गए और बोले, राजकुमार इस पौधे का पत्ता चखकर बताओ तो कैसा है। राजकुमार ने पत्ता तोड़कर ज्यों ही चखा
उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। तुरंत उसे थूक कर उसने उस पौधे को जड़ से ही उखाड़ दिया। अब क्या हुआ, जब राजगुरु ने यानी गुरुदेव ने उन्हें नीम का पत्ता चखने के लिए कहा, तो नीम का पत्ता कैसा होता है, कड़वा होता है। तो जब उन्होंने उस पत्ते को चखा, उनका मुंह जो है वह पूरा कड़वाहट से भर गया और उन्होंने क्या कहा करा, उसको थूका और पूरा पौधा ही जड़ से उखाड़ दिया। गुरुदेव ने पूछा, यह तुमने क्या किया। अब गुरुदेव ने पूछा कि यह क्या हो गया, क्या किया ये तुमने। राजकुमार ने उत्तर दिया, यह पौधा अभी इतना छोटा है फिर भी कितना कड़वा है, बढ़ने पर तो यह पूरा विष वृक्ष ही बन जाएगा। विष वृक्ष का अर्थ होता है यानी पूरा जहर की तरह ही बन जाएगा, कि अभी छोटा है तब इतना कड़वा है, तो ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ये पूरा जहर ही बन जाएगा। ऐसे जहरीले पौधे को अभी जड़ से खत्म कर देना ही उचित है। राजकुमार को क्या लगा, ये जहरीला पौधा है तो इसे अभी ही खत्म कर देना अच्छा है, नहीं तो ये बाद में नुकसान दे सकता है। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, गंभीर यानी सीरियस वॉइस में उन्होंने कहा, गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार तुम्हारे कटु व्यवहार के कारण अगर प्रजा भी तुम्हारे प्रति ऐसी ही नीति और भावना से काम ले तो तब तुम्हारी क्या गति होगी। कभी सोचा है तुमने, यदि तुम फलना फूलना चाहते हो तो तुम्हें भी दयावान परोपकारी मृदुभाषी उदार और लोकप्रिय बनना होगा। तो अब गुरुदेव जो है जो राजगुरु है वह राजकुमार को क्या समझाते हैं कि तुम्हारा व्यवहार भी तो ऐसा कड़वा ही है, तुम भी तो ऐसे ही प्रजा के साथ व्यवहार करते हो, तो अगर तुमने भी ऐसा ही करा तो प्रजा तुम्हारे साथ यही सब करना शुरू कर देगी। तो तुम्हें अगर प्रजा का साथ चाहिए तो तुम्हें कैसा बनना होगा, दयावान परोपकारी मृदुभाषी यानी के मीठी बोली वाला बनना होगा। उसी दिन से राजकुमार ने अत्याचार छोड़कर भलाई के सद्मार्ग को अपना लिया। और उसी दिन से जब उनको राजगुरु ने शिक्षा दी तो उन्हें राजगुरु की बात समझ आई और उन्होंने भी अपना अत्याचारी व्यवहार छोड़कर अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। सो इस कहानी से हमें कितनी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। सो बच्चों, जब आप दूसरे लोगों से बात करते हो तो मीठी बोली मीठी वाणी का ही प्रयोग करें ताकि आपको भी वैसी ही वाणी मिले, नहीं तो अगर आप किसी से कटु शब्द यानी बुरे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिप्लाई यानी जवाब भी वैसे ही मिलेगा। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 97 यानी 97 खोलेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 3 चित्र दिए गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इन चित्र के द्वारा वे हमसे एक कहानी बता रहे हैं, वे एक कहानी बताना चाह रहे हैं। अब आप देखिए इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। जी हाँ, आपको चित्र में 2 बिल्लियां और 1 बंदर दिख रहा है। तो ये क्या कहानी है, आपको इससे कोई कहानी समझ आ रही है। जी, ये 2 बिल्लियों और 1 बंदर की कहानी है। क्या होता है कि 2 बिल्लियां रोटी के लिए आपस में लड़ रही हैं और जो बंदर है वह पेड़ पे बैठा उनकी लड़ाई देख रहा है। फिर बिल्लियां बंदर को उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए बुलाती है, उनसे बंदर से कहती है कि हमारी रोटी को आधा आधा कर दो। पर इधर क्या हुआ, बंदर ने खुद ही रोटी खा ली। क्यों, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वह चल रही थी। उन दोनों बिल्लियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है या दोनों के पास बराबर रोटी है। तो उनकी लड़ाई में बंदर ने क्या करा, फायदा उठाया और उनकी रोटी खा गया। तो क्या है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी लड़ाई में जो तीसरा इंसान है वो फायदा उठा ले जाता है।
तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया, यानी बंदर तीसरे जानवर का फायदा हो गया। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बिल्लियां किस चीज के लिए लड़ रही हैं? तो सब बच्चे बताएंगे कि बिल्लियां किस चीज के लिए लड़ रही है। जी हाँ, बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही हैं, बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बंदर कहाँ बैठा है? तो सब बच्चों को दिख रहा होगा चित्र में, देखिए बंदर कहाँ बैठा है। जी बंदर पेड़ पर बैठा है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, बंदर नीचे क्यों गया? बंदर नीचे क्यों गया था? बंदर नीचे बिल्लियों की लड़ाई सुलझाने, यानी उनकी लड़ाई हल करवाने गया था। सब बच्चे लिखेंगे, बंदर बिल्लियों की लड़ाई सुलझाने के लिए नीचे गया। किस लिए गया था? उनकी लड़ाई सुलझाने। अब चौथा प्रश्न देखिए, बिल्लियां बंदर से क्या कह रही होंगी? अब आपको क्या लगता है कि बिल्लियां जो है वह बंदर से क्या कह रही होंगी? जी वह बंदर से कह रही है कि उनकी रोटी क्या को बराबर बांट दे। लिखेंगे सब बच्चे, बिल्लियां बिल्लियों ने बंदर से रोटी बराबर हिस्सों में करने के लिए कहा, ताकि वो दोनों के लिए बराबर बराबर रोटी बांट दे। अगला प्रश्न देखिए, बंदर ने रोटी को क्या किया? अब बंदर ने रोटी को क्या किया? बंदर ने रोटी को दो टुकड़ों में बांट दिया। अब बंदर ने तो अपना काम कर दिया, पर बिल्लियों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा एक के पास ज्यादा है और एक के पास कम है। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? और फिर लगातार उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया, और इसमें क्या हुआ, बंदर फायदा अपना फायदा कर गया, तो उसने रोटी खा ली। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी लड़ाई में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए। दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है, यही उन्होंने तीसरे जानवर को यानी बंदर को शामिल किया और वो फायदा उठा ले गया। सब बच्चे यह उत्तर अपनी पुस्तक में लिखेंगे और पृष्ठ 98 यानी कि 98 पर आपको एक कहानी दी गई है, आपको वह कहानी पूरी करनी है। इसमें आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स यानी सहायक शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको ये कहानी पूरी करनी है। देखिए सब बच्चे, इस कहानी को आपको पूरा करना है और ये कहानी आप अपनी पुस्तिका यानी नोटबुक में पूरा करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ आई होगी और आपने अपना कार्य अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।